गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा बात लेके हो गया है, भजन चालू है, वही जस्ट बंद किया आप लोगों से बात करने के लिए। शोना वहां पे धो रही है बर्तन, बर्तन के बाद बनाएगी नाश्ता और आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली है अपनी स्पेशल पोहा रेसिपी। तो देखते हैं कैसा दिन निकलता है। आज से मेरी नाइट शिफ्ट है, 10:30 बजे रात को लॉग इन होगा और सुबह 7:30 तक। आज वैसे हम लोग काफी सो गए, चलो इसी बहाने आज जल्दी सोए थे और अभी उठ रहे हैं, तो लगभग 9-10 घंटे की मस्त वाली नींद हो गई है। मैं आऊँ यहाँ पे सो रहा है मस्त। भाई साहब बिस्तर भी ठीक कर दिया करो जरा थोड़ा सा। म्याओ म्याओ म्याओ। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। चलो मैं फटाफट रेडी होता हूँ और फिर मिलता हूँ। ये बात मौसम की तो मौसम का क्या ही कहें, धूप निकली है, बारिश का वेट कर रहे थे और धूप निकल रही है, बताओ भला। मतलब कभी धूप कभी छांव ऐसे ही चल रहा है। म्याओ उठना है कि नहीं? अच्छे अच्छे भजन निकालते हैं यार गाइस लोग, इतना मस्त लग रहा है ना। अभी कोई ये भजन सुनाओ, मेरे बाके रस, एक भक्ति का ये भी स्वरूप है जहाँ पे लोग गाते बजाते हैं और भगवान की लीला, भगवान को याद करते हैं। भगवान को भी ये सब पसंद था। कितनी धूप निकली यार, आज सोचा था बाहर जाएंगे कहीं मस्त बारिश वारिश होएगी। तो शोना हुआ क्या? अच्छा नहाने जा रही हो, ठीक है, भूख लगी है। आज मैं ही बना दूँ क्या शोना के लिए कुछ नाश्ता? पर मुझे कुछ आते ही नहीं है हाफ फ्राई के अलावा। चलो कोई नहीं, भजन ही सुनता हूँ। ये देखो ये महाशय यहाँ सोए, उनका काम ही बस ये, यहाँ सोना, वहाँ जाके खाना खाना, फिर सोना। गाइस माली में वूडू मार्केट है, देखो जहाँ पे सब जानवरों की चीजें मिलती है काला जादू और मेडिसिन के लिए। अब मेरा बच्चा देखो यहाँ पे मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना जाए ना जाए ना नाश्ता ला रे। चलो दोस्तों आपको बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ अपना पोहा। कैसे कैसे लोग है दुनिया में गाइस, सोचो मरे हुए जानवर की चीजें बेचते हैं काला जादू के लिए। यार सजेशन में आया वीडियो तो मैं देखा, करते हैं है ना यार। सीधे बना दो रेसिपी, बाद में बता देना, भूख लग रही है। पागल हो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदाबाद फैमिली ब्लॉग्स पे। आज मैं फाइनली आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ पोहा। मुझे अभी 2-3 दिन से ना कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज शेयर करो रेसिपी। तो एकदम सिंपल सी है, नॉर्मल सी रेसिपी, आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कुछ, तो देख लो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाती हूँ। बट वैसे ही बनाना तब मजेदार बनेगी, ठीक है। चलो सुबह उठ के बहुत सारे बर्तन घसे, सुबह क्या हमारी तो दोपहर होती है आपको पता ही है, अम्मू के नाइट शिफ्ट की वजह से और मेरे वीडियो एडिट करके सोने तक की वजह से। मैं आ गया तुम्हारा रेसिपी बताने, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम लोगों को सिखा दो। चलो तो काटना कूटना देख लो क्या क्या मैंने काटा है। ये पोटैटो है, फ्राई करके डालते ना मस्त मजा आ जाती है। कांदा है और टमाटर है, बस कितना है टमाटर? अरे कांदा है, मिर्ची है, सॉरी टमाटर क्यों बोला मैंने, वही ना क्योंकि तुम टमाटर डालती हो पोहे में। नहीं तो क्यों बोले, लोगों को भटका रही हो तुम ताकि तुम्हारी तरह ना बने उनका पोहा। पहले डालती थी पागल। तो गाइस आलू काट के रख लो, कांदा रख लो और मिर्ची काट के रख लो, देख लो साइज। बाकी कुछ लोग ना टमाटर भी डालते हैं और मैं भी पहले डालती थी। मत डालो मगर आप, लेकिन मजा नहीं आता है टमाटर में, वो ना एकदम घिचकिच हो जाता है, ठीक है। तेल डाल दिया है मैंने, मैं अभी अपन फ्राई करेंगे ये पोटैटो। तो पहले पोटैटो फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे अपन। सही बात, मैंने ही सिखाया है, मुझे क्या सही बात बोल रहे हो तुम ना, चुभे कर नमक भी निकाल के रखना है क्या? हाँ क्योंकि पोटैटो पे थोड़ा नमक डालेंगे ना, जब पोटैटो ऐसे ही खाएंगे तो उसमें भी तो स्वाद होना चाहिए। अच्छा ऐसा बेस स्वाद नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके, बोला कर यार पहले से मालूम नहीं चीज से मेरे को डर लगता है। आलू डाल दिए दोस्तों, अब इस पे ऐसे थोड़ा सा नमक अपन बरबराएंगे। शोना के पोहा की रेसिपी देख लो, फिर सब बना के डेली पोहा खाना और फिर बताना मैं क्यों खाता हूँ डेली। आपके घर में अगर मटर है तो मटर डाल सकते हो, मटर डालने से भी अच्छा लगता है, लेकिन अम्मू को मटर पसंद नहीं है। आई लाइक सिंग दाना इन पोहा भाई। हाँ। पोहे में मटर कौन डालता है? मटर डालती हूँ तो अम्मू का वैसा रहता है कि पुलाव बनाया है।
अरे वो नमकीन भी लेके आना चाहिए था पोहे में डालने को। ठीक है गाइज, आप लोग ले आना वो सेव, ले आना सेव। अरे मैं नीचे नहीं जा रहा आज, मैं जाओ जाओ हा? तुम्हारा मन है तो जाओ, पकड़ इसको मैं जाता। मन है तो जाओ बोल रहा हूँ ना। तो मेरा स्टोर किया हुआ कड़ी पत्ता वैसे का वैसे ही है। आलू के बाद में पीनट भी फ्राई कर लेना है। भूख लग रही है, सिंगदा नहीं खा रहा हूँ। इनकी रेसिपी के चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ता है। आलू ब्राउन होने तक आपको उसको करना है जैसे फ्रेंच फ्राइज करते हैं, फिर निकाल लेना है, बता देना है। तो गाइस ऐसे ब्राउन आलू करके निकाल लो। अब इसी तेल में सिंगदाना तल लो। सिंगदाना सोना थोड़ा डाल दिए क्योंकि उसको पसंद नहीं है, सिर्फ मेरे लिए डालती है वो। नाउ आज आप पोहे की रेसिपी सीख ले। सिंगदाना भी निकल गया दोस्तों। अब बस इसमें पोहा तल लेंगे, वेरी सिंपल। अच्छा जीरा जाएगा, देख लो गाइस ऐसा जीरा दिख रहा है। ये बोला तो कर यार, तू कितनी आरामी है गाइस, मेरे साथ ऐसी करती यार। अरे पागल, कड़ी पत्ता कह रहा दोस्तों। उसके बाद जाएगा प्याज और मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से, अपने तीखेपन के हिसाब से डालो। चक्के नहीं लग रहे जान, तुमको इतना हो रहा है? आदत है चक्के की, मतलब उतने चक्के तो लगते ही रहते हैं जो किचन में काम करते। तो मतलब मैं नहीं बना सकता कभी पुआ? अरे क्यों, चक्के लग रहे हैं। अरे पागल, अरे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। चुप। स्वाद अनुसार हल्दी, एक दो बार बनाओगे ट्राई करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। देख हल्दी ऐसा तो हर पोहे में डालते ही है, ठीक है, लेकिन मैं ये धनिया पाउडर भी डालती हूँ। तो ये धनिया पाउडर आपका थोड़ा गया बस, जान इतना ही डालती हूँ बस, वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए इतना स्वादिष्ट बनता है धनिया पाउडर की वजह से। हाँ, धनिया पाउडर नहीं भी डालोगे चलेगा, बट डालो थोड़ा अच्छा स्वाद। नहीं वो तुम्हारा वाला टच धनिया पाउडर और वो सब की वजह से ही होता होगा। नमक बराबर डालना, नमक पोहे में बराबर रहता है ना, तो अच्छा लगता है। हाँ स्वाद निकल के आता है, नमक कम रहेगा तो स्वाद निकल के। वेरी इजी रे। मैंने जो ये लिया था कांदा, वो एक बड़ा कांदा लिया था, और पोहा जो लिया है मैंने अढ़ाई मुट्ठी पोहा लिया है, मतलब मेरे मुट्ठी के हिसाब से, ठीक है। तो अपने हिसाब से मतलब अंदाजा लगा लो दोस्तों, इतना अंदाजे वाला खाना मैं कभी जिंदगी में बनाती नहीं हूँ। स्मार्ट है मेरी सुनो, अंदाजे वाले खाने से मेरे को मजा नहीं आता। अंदाजा वाला मैंने सिखाया तुमको कि हमेशा नाप के करो, अंदाजे से कभी अलग कभी अलग टेस्ट बनता है, बट मेरे को मजा नहीं आता है दोस्तों, मेरे को ऐसा अंदाजे से ही अच्छा लगता है। तुम उल्टा बोल रही थी, तो ये बोलो कि अंदाजे से ही लेना मुझे पसंद है, नाप तोल के नहीं। नाप तोल के पसंद है तुमको? नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है तुमको? कितना बोल रहे? हाँ वही ना दोस्तों, मैं अपने अंदाजे से डालो दोस्तों। दोस्तों मैं बताता हूँ, सोना को पसंद है कि अपने अंदाजे से डालो हर चीज। हाँ। और मुझे पसंद है कि नाप तोल के करो ताकि हर बार एक ही टेस्ट आए। जैसे कि सोना की चाय, चाय इसकी कभी बहुत अच्छी बनती है, कभी एवरेज बनती है, वही अगर नाप के करेगी तो डेली बहुत अच्छी बनेगी। पागल है दोस्तों, इसको नहीं मालूम कभी दूध पतला आता है, कभी गाढ़ा आता है, कभी अदरक दूध पे डाल दो, कभी अदरक अलग रहता है। अच्छा हाँ ऐसा रहता है नाप, और शक्कर भी अलग रहती है, शक्कर भी अलग रहता है। धो के बहुत देर तक नहीं रखना है, फटाक से डालना है, तभी वो एकदम खिला खिला खुला खुला रहेगा, वरना फिर वो एकदम मुरझा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, एकदम ऐसे खिचड़ी हो जाएगा। हाँ चिक्कट चिक्कट हो जाएगा। हाँ। तो जब धोते हैं ना तभी थोड़ा ऐसे हाथ लगा के धो लेने का पोहे को, और फिर तुरंत डालने का, ज्यादा देर रखने का नहीं। तुरंत मतलब 30 सेकंड्स रखो ऐसे थोड़ा, उसके बाद में डालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
नीचे से मसाला देकर मिक्स कर लो। वो थोड़ी करूंगी, पागल थोड़ी हूँ मैं। बस फिर ऐसे मसाला मिक्स करने का। मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना दोस्तों, इसी पे रख के मसाला नहीं मिक्स करती हूँ मैं, नीचे उतारती हूँ जल ना जाए। हाँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ और फिर सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए मैं गैस पे रखती हूँ, फिर उतार देती हूँ। अगर आप ज्यादा देर रखोगे तो कड़क हो जाएगा, उसको फटाक से हटा देने का गैस पे से, ताकि वो नरम नरम ही रहे, क्योंकि गीला है ना पोहा, तो नरम नरम रहेगा ना तो खुला खुला और मजेदार लगेगा खाने में, मजा आता है। कोई कोई इसमें वो भी डाल देता है शक्कर, तो शक्कर भी डालना है तो शक्कर खा सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा शक्कर अलग से ही खाओ, ले लेके मजा आता है। हाँ,
अम्मू तो अलग से लेके खाता है। ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता ना, किसी को शक्कर पसंद किसी को नहीं। धनिया भी डाल सकते हो दोस्तों, मेरे पास धनिया मोस्टली रहता ही नहीं है घर में, मैं लाती हूँ तो खत्म हो ही जाता है और बार बार बट डालो धनिया से, पर धनिया लाओ मजा आता है, थोड़ा फ्रेश लगेगा आपको। दोस्तों ये पोहा रेडी हो गया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही ले लिया क्योंकि हम लोग दही खाते ही है, और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी ये पोटैटोस जो फ्राई किए थे, और ये पीनट्स, पीनट्स मैं खाती नहीं हूँ तो इसके लिए सिर्फ अम्मू के लिए मैं फ्राई करती हूँ, तो मस्त ये पीनट्स इसके ऊपर ऐसे गए, ऐसे दिख रहा है दोस्तों मेरा पोहा, मस्त लग रहा है वे। नींबू के बगैर पोहा अधूरा है, वैसे दही है नींबू की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल कैसा लग रहा है बताना, एंड प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करना, वैसे तो आप लोग ट्राई करना ही चाहते थे इसलिए इतने टाइम से मेरे को रेसिपी मांग रहे थे। वाओ गाइस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सोना का पोहा बेस्ट लगता है मेरे को, इससे अच्छा कोई नाश्ता ही नहीं लगता। देखो कितना मस्त खुला खुला बना, बहुत बहुत मस्त। तो ये फॉलो करोगे ना जो जो मैंने बोला है, तो ऐसे ही खुला खुला ही बनेगा। ये क्यों खुला खुला बना है, क्योंकि मैं 30 सेकंड्स तक घी लाने तो सोना ज्यादा लग रहा था। जान नखरेबाजी मत कर, रोज देखते है लोग पोहा इतना ऐसे पागल डराती है दोस्तों, उस तरफ मुंह देखा नहीं तुमने उसका, क्यूटी पाई मेरी। वाओ अच्छा वेरी नाइस। दोस्तों यहाँ पे अम्मू अचानक में उठ के पंखा क्लीन करने लग गया, अभी काम करता नहीं है, अचानक में अटैक आते काम करने लगा तो क्या जब घर की सफाई हो जाती है उसके बाद में तुम उठे हो पंखा साफ करने के लिए। सो तो देख मौसम है बड़ा कातिल, भूल गई थी दोस्तों बीच में, मौसम देख कितना मस्त हो गया है। आज तो बड़ा ही सुहाना दिन है नॉडी, नॉडी देखो सुहाना दिन है नोबिता नॉडी और नोबिता का मिक्स करूंगा मैं। एक्चुअली ठंडा लग रहा है, तू भी आ जा यहाँ पे, यहीं पे बैठ के चाय पी ले बस थोड़ा। ये जो है ना दोस्तों ये वो यहाँ पे लगता है बम पे मेरा, ये मनी प्लांट देख लो दोस्तों मस्त, बाहर क्यों ना तब से हो रहा है यार, लेकिन ऐसे घर में नहीं होता है। अब घर में ना मनी प्लांट जो पानी में रखा हुआ है ना वो बराबर हो रहा है, बट ये मट्टी वाला नहीं होता है। मनी प्लांट को सनलाइट लगता है प्लीज, हाँ हाँ वाला भी इसलिए इतनी जल्दी बढ़ नहीं रहा है, बस वो चल रहा है वैसा है। हाँ पता है मुझे सनलाइट लगता है, दुकान वाला मेरे को क्यों बोला कि घर में रख सकते हो, और लोग मनी प्लांट घर में नहीं रखते बाहर नहीं रखते, बाहर रखेंगे तो बाहर वालों को मनी मिलेगा, घर में रखेंगे तो घर वालों को मनी मिलेगा। म्याओ के लिए बनाया जानी है, गेहूं का झाड़ बनाया वो फिर खाएगा इसको, हाँ खाते है ना, मैंने डाला है अच्छे से पानी वाली डालो अच्छे से, पूजा वाला है दोस्तों, जब वट पूर्णिमा पूजा की थी ना तभी मैं जो गेहूं मिले थे तो फेंकना नहीं चाहिए ना, तो मैंने उसको झाड़ बना दिया। देखो गाइस मेरे को बताओ और तुम भी बताना जान, बारिश वारिश का ऐसा मौसम आता है तो कॉलेज की स्कूल की याद आती है, स्कूल का टाइम पता था अपन कैसे स्कूल में बैग वैग लेके रेनकोट पहन के ऐसा पूरा बारिश के शूज खरीदते थे, सैंडल्स प्लास्टिक वाले अपने टाइम में 90s किड्स, और स्कूल जाते थे बारिश होती रहती थी फिर निकलने के टाइम पे सोचते थे अभी फिर जाना है, और कॉलेज के दिन याद है कॉलेज जाते थे बारिश में दिन भर गायब, रात को फिर शाम को जब रिटर्न आना हो तो पानी भरा हुआ रहता था, कैसे आते थे एकदम थक हार के, क्या दिन थे यार। हम तो वो दिन फिर से जी सकते हैं अभी अपने दोस्तों के लिए, गाइस के लिए, क्योंकि वो लोग अपने को इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना कि अपन के मन में वो खुशी है और अपन ऐसा जी सकते हैं। सही बात है, कल जाएंगे ना? हाँ बारिश हो तो जाएंगे, कल सोच रहे हैं कहीं जाने मुंबई की मस्त जगह एंजॉय करने चिल करके आएंगे। आप नहीं बैठोगे, मैंने बोला तुमको यहाँ पे आके बैठो मेरे साथ। बिजी हो, मैं कितना बड़ा हूँ। अरे बैठ सकते हो यार, कैसा बैठेगा उधर पे बताओ जरा, कहाँ बैठने बोल रहे हो? यहाँ 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 दोस्तों यहाँ बैठने बोल रहे हो। अरे मैं तो बैठी हूँ ना यार। अरे तुम्हारी बात अलग है यार, तो मैं पतली हूँ दोस्तों। ओ बारिश आने लग गई दोस्तों, आ रही आ रही, एकदम धबा धब बारिश आनी चाहिए, एकदम धबा धब, ऐसा फिर न्यूज में आएगा धबधबित पाउस पड़ रहा आज। और कुछ भी बोलो बारिश बारिश होती है, हाँ बारिश में पैदा होने वाले ही इतने प्यारे होते हैं। दोस्तों मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया, हैप्पी बर्थडे मंथ बाबू बोलने के बाद में हैप्पी बर्थडे, मैं पहले कल रात को ही बोल रहा था लोगों के सामने, मेरे को मिलन मत बताओ, बस 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है दोस्तों। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, लेकिन घड़ी ऐसी आई है कि मैं घर के अंदर हूँ। देखो बारिश कितनी हो रही है, पूरा एकदम दिख ही नहीं रहा है पता है कुछ भी,
कैमरे में दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा क्लियर, लेकिन रियलिटी में ना एकदम फॉगी फॉगी लग रहा है, बहुत मजेदार लग रहा है यार। तुम क्या बोल रहे थे, गूगल पे क्या दिखा रहा है? अरे वो मेरे को मैप पे नोटिफिकेशन आता है ना, तो बताया था 6 बजे हैवी रेन होगी और बराबर 6:10 को हुए। दोस्तों मैंने अपना शॉर्ट्स का एडिट किया और उसके बाद में मैंने बनाया व्हाइट सॉस पास्ता, फर्स्ट टाइम बनाया, देख लो कैसा। तुम छेड़ क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम बस लेटे ही रहते हो, तुमको बोला था नीचे जाके थोड़ा दूध लेके आने के लिए तो तुम गए नहीं लाने के लिए, समझे? हाँ, तुम्हारे हिसाब से जाओगे और तुमको बना के भी चाहिए खाने को, तो दोनों चीजें नहीं होती है ना। मेरे को अपना फिर शॉर्ट्स का एडिट कंप्लीट करके फिर जाना पड़ा, वो भी सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, यूट्यूब पे डाला नहीं, मतलब मैं अपना आधा काम रोक के फिर मैं नीचे गई हूँ। मतलब इतना सा भी काम तुमसे नहीं होता, मेरे को फालतू की चीजें नहीं सुननी है। दुर्वासा ऋषि ने गुस्से में अपनी पत्नी को भस्म कर दिया, तुम अपने पति को कर दोगी? हाँ कर दूंगी किसी दिन, समझे? अगर सुनोगे नहीं बात तो फिर उन्होंने उनकी खा लो, ठंडा हो जाएगा, फिर खराब लगेगा, फिर बोलोगे अच्छा नहीं बनाया तुम, ऐसे हो। मुंह दिखाओ जरा, मेरे को नहीं दिखाना है मुंह। बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू। गुस्सा कर रही हो बट बहुत अच्छा बनाया, तुम दिखाओ, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं काम और मैं बैठ रही हूँ अपने वीडियो एडिट के लिए और हम खा रहे हैं एप्पल। पास्ता खा लिया था ना तो भूख नहीं लग रही, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ फ्रूट खा के ही मतलब सो जाएंगे। जैसे अम्मू का अभी काम तो 7:30 तक का है, 7 बजे फिर पानी आएगा, फिर पानी वानी भर के हम लोग सोएंगे, तब तक मेरा एडिटिंग और बाकी की चीज़ें होती रहेगी। बस यही चल लाइफ। क्या लाइफ? अच्छी है लाइफ, थैंक यू गॉड ऐसे लाइफ देने के लिए। वही बोल रही हूँ, हमारी लाइफ यही है। बाय, टेक केयर, लव यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बारिश हो रही है, कल भी हो अच्छा, नहीं हो ठीक है, उसकी मर्जी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय बाय।